नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनु पंत, एसोसिएट प्रोफेसर, वर्तमान में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ यूसर्क का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज के इस आख्यान के द्वारा मैं आप सबसे जुड़ सकती हूँ। आज का हमारा विषय है बायोटेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का सतत विकास में क्या रोल है और इसमें और कितना एप्लीकेशन है जिसमें आप सबके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है। तो आइए आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। आइए समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। दिस इज हार्नेसिंग नेचर फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस किस्म से प्रयोग करते हुए कि वे सतत विकास में हमारे सहयोगी बने। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए हैं, यानी सतत विकास किन मानदंडों पर होना चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ इस किस्म से निर्धारित किए गए हैं कि समूचे विश्व में सभी राष्ट्र इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति काम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, SDG 1 नो पॉवर्टी, यानी कहीं गरीबी ना हो। SDG 2 जीरो हंगर, कहीं भुखमरी ना हो। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी सबके लिए एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छा जीवन की परिकल्पना करना और उसके उस तरफ हमें निरंतर प्रयासरत रहना। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, साफ पानी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, इंडस्ट्री, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबिलिटी इन सिटीज, क्लाइमेट एक्शन से लेकर पानी के नीचे का जीवन SDG 14, धरती के ऊपर का जीवन लाइफ ऑन लैंड SDG 15, समूचे विश्व में शांति, जस्टिस, इन विषयों पर काम करें, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ये SDG हासिल करने के लिए सभी राष्ट्रों को एक दूसरे से हाथ मिलाने होंगे, जिसे आप देख सकते हैं SDG 17 में, पार्टनरशिप्स फॉर दीज गोल्स। तो अगर हम समझ सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास तभी हो सकता है जब हम अपने प्राकृतिक स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ही विकास करें। ऐसा न हो कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए विकास तो हमने बहुत किया पर उनके लिए कुछ भी संसाधन हमने छोड़ा नहीं। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि सब समझते हैं, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी जीवित प्राणी, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, या फिर उनके किसी भी पार्ट का यूज़ करते हुए, चाहे उनके सेल्स हों, उनके टिश्यूज हों, इनका यूज़ करना ताकि हम समाज में किसी किस्म का बेनिफिट दे सकें। बायोटेक्नोलॉजी इस सस्टेनेबिलिटी यानी विकास के लिए क्या क्या दे सकता है? अगर मैं इसको आपको पॉइंट वाइज बताऊँ, बेटर हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, साफ पानी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अफॉरेस्टेशन यानी नए पौधारोपण करना या फिर बंजर पड़ी जमीन पर भी पौधारोपण कर देने वाला काम बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है,
हैजार्डस वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करना और न्यू अपॉर्चुनिटीज खोलना ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड है जिसमें एक नया शोध हर दिन हो रहा है और इसीलिए हमको एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो अनेक राष्ट्रों के बीच में जो ये जुड़ा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है, जिसको SDG 17 में दर्शाया गया था। बायोटेक्नोलॉजी हर तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करता है, जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी, बायो रिफाइनिंग, न्यू प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सारे SDGs को बायोटेक्नोलॉजी एड्रेस कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, जो कि SDG 3 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। बायोटेक्नोलॉजी इंश्योर करता है कि सबके लिए एक हेल्दी लाइफ इंश्योर की जा सके। कोविड के बाद बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में क्या रोल रहा है, ये बताना तो हर किसी को, इसके विषय में हर किसी को मालूम है। कोवैक्सीन से लेकर हर किस्म से बायोटेक्नोलॉजी घर घर तक पहुंचा। मेडिकल ब्रेक थ्रूज बायोटेक्नोलॉजी ने करे, वैक्सीन्स, इंसुलिन और ऐसी बहुत सारी जीवनदायिनी ड्रग्स को बनाने का काम बायोटेक्नोलॉजी का रहा है। आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं ओरल वैक्सीन्स में पोलियो वैक्सीन्स, रोटा वैक्सीन्स, टाइफाइड वैक्सीन्स, ऐसी अनेक वैक्सीन्स सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर में पहुंची हैं। नीचे दिए हुए एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो हम अभी कन्वेंशनल एलोपैथिक सिस्टम पर ही निर्भर होते, जिसमें वन फिट्स ऑल यानी एक दवाई हर किसी के लिए, इस पर ही हमारा जीवन चल रहा था। इन दवाइयों में कुछ बुराई नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखें इन दवाइयों की गुड एफिकेसी यानी ये कितने एफिशिएंट हैं, ये जितने एफिशिएंट हैं उतनी ही इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी बॉडी पर देखने को मिलती हैं और इसके विषय में भी हम हर किसी को पता है। इसीलिए एलोपैथी से हटकर हमने और मेडिकल सिस्टम्स पर भी हम गए, बट द प्रॉब्लम इज कि एलोपैथी या इस किस्म की वन फिट्स ऑल वाली दवाइयों की अपनी उनके अपनी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने ये लिमिटेशंस दूर किस प्रकार किए, अगर हम समझें, बायोटेक्नोलॉजी पहले जेनेटिक एनालिसिस करता है, यानी जिस भी व्यक्ति को किसी किस्म की बीमारी है उसके पहले एनालिसिस की जाएगी, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर पहले ये मालूम किया जाएगा कि वास्तव में ये बीमारी है क्या, और उसके बाद एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जारी किया जाता है जिसकी गुड एफिकेसी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडवर्स इफेक्ट्स, यानी कुछ गलत हो जाए उससे कहीं कहीं ज़्यादा संभावना ये है कि आपकी बॉडी से वो बीमारी चली जाएगी। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि किस किस्म से बायोटेक्नोलॉजी ने एक फीटस तक में भी किसी बीमारी के होने की जो आशंका है उसका पता लगा लिया। कितना ज़रूरी है कि एक फीटस के फॉर्मेशन के दौरान अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसका पता लगाया जा सके, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हो और इसका इलाज भी किया जा सके, यानी जीन एडिटिंग के द्वारा DNA में भी अगर कोई एरर हो तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी उस एरर को दूर कर सकता है और जो नवजात होगा वो किसी भी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर से मुक्त होगा। प्रोबायोटिक्स का नाम भी आज हर किसी की जबान पर है, ऐसे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी सेहत को और बढ़ाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, इनका का यूज किया जाता है प्रोबायोटिक फूड में। आप इस तस्वीर द्वारा देख सकते हैं बहुत सारे प्रोबायोटिक फूड आज मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ प्लांट बेस्ड प्रोबायोटिक फूड्स अगर आप देखें, कोकोनट केफिर, टेम्पे, सॉर्क्रॉट, किमची, मीसो, ये सारे प्रोबायोटिक्स हैं जिनके लगातार सेवन से ये पाया गया है कि एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छा गट माइक्रोफ्लोरा डेवलप हुआ है। अच्छा डाइजेशन प्रोबायोटिक से होता है और यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको प्रोबायोटिक अपनी डाइट में लेना है। तो ये प्रोबायोटिक्स आने का एक बहुत बड़ा संसाधन बायोटेक्नोलॉजी रहा है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नए ड्रग्स, एंटीफंगल एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स का भी डेवलपमेंट किया गया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने बताए हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन ग्राइसोफल्विन।
दूसरी बात करते हैं हम बड़े ही मुख्य विषय पर, एग्रीकल्चर. बायोटेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट अ रेनेसां इन एग्रीकल्चर, यानी जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि में एक क्रांति लाई है. आप देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी से लेकर जमीन मृदा कंजर्वेशन, वेस्ट रिडक्शन, रिड्यूस्ड एमिशन, वाटर कंजर्वेशन, ऐसे बहुआयामी टॉपिक्स को एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी ने एड्रेस किया है. बायोटेक्नोलॉजी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है. चार पॉइंट्स जो यहाँ पर बताए गए हैं. प्रिसिशन फार्मिंग. प्रिसिशन फार्मिंग का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी एनेबल्ड फार्मिंग टेक्निक्स अब आई हैं जिसमें किसी एक पैदावार के लिए कितना पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का उपयोग होना चाहिए, सिर्फ उतना ही दिया जाएगा. प्रिडिक्शन बेस्ड एनालिसिस की जाती है कि इस मृदा में, इस सॉयल में किस चीज़ की कमी है और सिर्फ उतना ही दिया जाए, यानी अननेसेसरी हम पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का छिड़काव न करें, जिससे ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट पर इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है. दूसरा पॉइंट, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट. बीटी कॉटन हर किसी की जबान पर एक नाम है जिसने पेस्टिसाइड का प्रयोग कम किया. कॉटन में कीड़ा लगना बंद हुआ. बीटी कॉटन एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का ज्वलंत उदाहरण है. इसमें हमने क्रॉप्स को एबायोटिक या बायोटिक रेजिस्टेंट बनाया. किसी भी स्थिति में क्रॉप्स उग सकते हैं. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई गई और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की तरफ ये एक बहुत मजबूत कदम था. माइक्रोबियल इनोवेशंस भी बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें हमने अच्छे माइक्रोब्स को चुना और उनके द्वारा सॉइल हेल्थ इम्प्रूव की गई, प्लांट ग्रोथ इम्प्रूव की गई, यानी किसी भी केमिकल्स पर जो हमारी निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई. एक्वाकल्चर एडवांसमेंट्स में बायोटेक्नोलॉजी ने सस्टेनेबल फिश फार्मिंग पर काम किया और डिजीज रेजिस्टेंट बताते हुए फिश फार्मिंग को एक नए आयाम तक पहुंचाया. आगे बढ़ते हुए, इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी. क्योंकि क्रॉप्स में कीड़ा लगता था, इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, स्ट्रेस के कारण पौधे उग नहीं पा रहे थे, नए नए किस्म की बीमारियां पौधों में लग रही थी, इन सभी स्ट्रेस के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से. यूनाइटेड स्टेट्स का एक ग्राफ आप देख रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी क्रॉप्स जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंट, यानी अधिक पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण, अधिक हर्बिसाइड के प्रयोग के कारण अगर कोई भूमि अनुपजाऊ हो गई थी तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स वहाँ पर ऐसी अनुपजाऊ भूमि में उगाए जा रहे हैं. ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स, बढ़ता सूखा एक बहुत बड़ी समस्या है. ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स के द्वारा ऐसी सूखा ग्रसित भूमि पर भी हम कृषि कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंट क्रॉप्स बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए हैं. सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ये देखा गया कि ड्रॉट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का जब प्रयोग किया गया तो उससे न सिर्फ पैदावार बढ़ी बल्कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जैसे केमिकल्स पर हमारी निर्भरता बहुत बहुत कम हो गई. जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके कारण न सिर्फ कृषि में हमने बहुत अच्छा काम किया बल्कि इन्वायरमेंट को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया. बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड एंड न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स. हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, पर हम ये खाना लगिए, ये उत्पाद हम करेंगे कहाँ? हमारी ज़मीन तो कम हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको इसमें गोल्डन राइस का देना चाहूँगी. गोल्डन राइस राइस की ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है जो दिखने में कुछ सुनहरे रंग की होती है. वो इसीलिए क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर्स होते हैं जिसके कारण विटामिन ए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. यानी गोल्डन राइस खाने से बॉडी में विटामिन ए की कमी दूर होती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये समझा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ बढ़ता माल न्यूट्रिशन हो रहा था बच्चों में और महिलाओं में, वहाँ पर कैसे विटामिन ए पहुँचाया जाए. राइस एक ऐसा क्रॉप है जो बहुत समय तक स्टेबल रहता है और इसको बहुत रूप में पकाया और खाया जाता है. तो अगर हमने गोल्डन राइस बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई ऐसी राइस विद हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचाई गई और वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की कमी बंद हुई.
प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा भाग है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें बहुत कम जगह पर मास प्रोपगेशन करके बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे उगाए जा सकते हैं, यानी किसी भी प्लांट के एक छोटे से पार्ट से एक बहुत छोटी सी जगह में कम समय में आप लाखों करोड़ों पौधे बना सकते हैं। आप समझिए कि डिजीज फ्री गुड क्वालिटी क्रॉप्स आप एक लैब से लैंड तक पहुंचा रहे हैं, ये दिस इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हरित क्रांति में प्लांट टिश्यू कल्चर का एक बड़ा रोल आगे भी रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रमुख भाग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं। जीरो हंगर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चुनना जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएं जिससे पैदावार बढ़ती है, ये ऑटोमेटिकली जीरो हंगर की तरफ हमारा कदम है। बायो फर्टिलाइजर्स और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसे कि वाइटामिन सी, कोएंजाइम, बायोटिन, इस किस्म के प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाकर या बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाकर हम इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर SDG 9 को एड्रेस करते हैं। लाइफ ऑन लैंड SDG 15, माइक्रोब्स सॉइल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट लेने में भी मददगार सिद्ध होते हैं। माइक्रोब्स पेस्ट और डिजीजेस को भी कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना, हार्मफुल केमिकल्स को डीकम्पोज करना, इन सब का प्रयोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हुए हम इन सारे चिन्हों पर काम कर सकते हैं और लाइफ ऑन लैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं और कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जिसे एल्गी के नाम से जाना जाता है, एल्गी यानी शैवाल। एल्गी बायोमास को यूज किया गया है, आप देख सकते हैं, अनेक कारकों पर जैसे कि बायोडीजल, हेल्थ केयर, फर्टिलाइजर, एनिमल फीड, हेल्थ केयर एंड कॉस्मेटिक्स, बायो इथेनॉल, यानी एल्गी जिसको हम कहते थे काई लग गई है और किसी काम की नहीं, एल्गल बायोमास को आज बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के द्वारा, चाहे वो केमिकल ट्रीटमेंट्स हो या और बहुत सारे आप मेथड्स यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे हम किसी न किसी रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ यूज़ कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने कृषि और हेल्थ केयर के अलावा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के संरक्षण में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं यहाँ आपको प्लांट टिश्यू कल्चर की दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि लैबोरेटरी में छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, यानी किसी भी पौधे के एक छोटे से पार्ट से काफ़ी मात्रा में पौधे उगाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली उनको फील्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। कंजर्वेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी जो विविधता हमारी ख़त्म हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमें रहने के लिए जगह चाहिए थी, हमने जंगल काटे और उन जंगलों के साथ हमारी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी प्लांट की डाइवर्सिटी विलुप्त हो गई। कुछ ऐसे प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो गए बट कुछ ऐसे हैं जो अभी रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आते हैं, इनको हमें बचाना है। प्लांट टिश्यू कल्चर इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है जिसमें एक एंडेंजर्ड यानी अगर हम एक कदम आगे बढ़े तो हम ये स्पीशीज भी खो देंगे, ऐसे पौधों को बचाने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत प्रमुखता से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ कार्यरत है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी ने क्लाइमेट एक्शन की तरफ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आप समझें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे अगर बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस नहीं होती। प्लास्टिक्स ने हमारे पर्यावरण को कितना भारी नुकसान पहुंचाया है इसके बारे में तो सभी विदित हैं, सबको इसके विषय में जानकारी है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के द्वारा हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाया है जिसके कारण फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा डिपेंडेंस कम हुआ और हमने प्लास्टिक पॉपुलेशन कम करने की तरफ एक पहल करी है। बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। हमें मालूम है कि फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा डिपेंडेंस बहुत अधिक है और हमारी नीड बढ़ती ही चली जा रही है, ऐसे में हमको एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना कदम बढ़ाना था।
biotechnology has played a prominent role in renewable energy. आप देख सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी में बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रमुखता से कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें वेस्ट रिसाइकलिंग के द्वारा बायोडीजल का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। आप इसमें अगर देखें कि इस सिस्टम में जो फीड होता है, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो कोई वेस्ट या एल्गी जैसा मटेरियल हो सकता है, जिसका केमिकल मेथड के द्वारा डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। यीस्ट जैसा सबस्ट्रेट लेके फर्मेंटेशन जैसी टेक्नोलॉजी लगाकर फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखें, इथेनॉल, बायोगैस और बायोडीजल है। इससे अधिक हम रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी में सोच रहे हैं और बहुत मजबूत कदम हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाया है। बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैटर और एल्गी या एग्रीकल्चरल वेस्ट से किया जा रहा है। बायोगैस प्रोडक्शन के विषय में सब जानते हैं कि एनरोबिक डाइजेशन है, जिसमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है रिन्यूएबल बायोगैस के लिए। रिन्यूएबल बायोगैस के द्वारा लाइवलीहुड जेनरेशन हुआ, यानी SDG 1 नो पॉवर्टी की तरफ हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी बायोगैस प्रोडक्शन इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें कुछ माइक्रोब्स जैसे कि मिथाइलोसाइनस, मिथाइलोसिस्टिस का प्रयोग करके बायोगैस का प्रोडक्शन करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एल्गी का प्रयोग बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए बहुत प्रमुखता से किया जा रहा है। ये जो आप इसमें पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें आप देखें कि एल्गी स्ट्रेन्स को लैब में कल्चर करते हुए इसको बार बार प्योरीफाई किया जाता है और अंत में हमको बायोडीजल इससे मिलता है। तो जो जिस चीज को हमने वेस्ट समझा था, उससे हम बायोडीजल जैसा इम्पोर्टेंट सोर्स डेवलप कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें आप देखें कि माइक्रो एल्गी के द्वारा हम कैसे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करवाते हैं। माइक्रो एल्गी में लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन्स का ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करा के बायोडीजल का प्रोडक्शन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि माइक्रो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, इनका फर्मेंटेशन करा के भी बायोइथेनॉल, बायोहाइड्रोजन या बायोब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम एल्गी के बल्क बायोमास को लें, उसको अगर हम जला दें या उसका थर्मोकेमिकल कन्वर्जन करें, उसके द्वारा भी सिनगैस का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी हीट और बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक प्रमुखता से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो काम करते हैं वो बायो रिमीडिएशन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है सॉइल में प्रेजेंट किसी भी हैवी मेटल या पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैवी मेटल्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और इसी प्रोसेस में ये हैवी मेटल्स को और ऐसे पोल्यूटेंट्स को सॉइल से हटा देते हैं। इसी किस्म से वाटर ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी enabled water treatment processes बने हैं, जिनसे harmful chemicals, heavy metals या कोई भी pathogen को waste water से remove कराया जाता है और इसे ऐसे गंदे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। एयर प्योरिफिकेशन में कुछ ऐसे microbes का यूज किया जाता है जो एयर pollutants को degrade करते हैं और sequester करते हैं। वेस्ट वैलराइजेशन एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हम वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा एल्गी का प्रयोग किया बायोफ्यूल्स और बायो प्रोडक्ट्स के लिए थ्रू इनोवेटिव रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग। फाइटोरिमीडिएशन में हम पौधों का प्रयोग करते हैं सॉयल या वाटर से किसी भी किस्म का पोल्यूटेंट रिमूव करने के लिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं वो ऐसे पौधों के उदाहरण हैं जिन्होंने कैडमियम, लेड, मर्करी, कॉपर, यूरेनियम, इस किस्म के हैवी मेटल्स को धरती से हटाया है, क्योंकि ऐसे हैवी मेटल्स को ये प्लांट्स अपने अंदर समा लेते हैं। फाइटोडिग्रेडेशन, फाइटोवॉलेटिलाइजेशन, फाइटोस्टिमुलेशन, फाइटोस्टेबिलाइजेशन, फाइटोफिल्ट्रेशन जैसी टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए प्लांट बेस्ड सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी हैवी मेटल या पोल्यूटेंट को सॉइल से रिमूव करने के लिए।
इसके अलावा माइक्रो एल्गी का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी बड़ा अहम रोल रहता है। बहुत सारी माइक्रो एल्गी स्पीशीज इस किस्म से अडेप्ट हुई हैं कि वो वेस्ट वाटर में ग्रो करें। इनको म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट या एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिमूव करने के लिए बहुत प्रमुखता से प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा माइक्रोब्स का रोल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे स्यूडोमोनास, बैसिलस, थर्मोएक्टिनोमाइसिटीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट को रिमूव करके हम सस्टेनेबल सिटीज वाले डेवलपमेंट गोल एसडीजी 11 को एड्रेस करते हैं। ये सब के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हम एथिकल इश्यूज पर ध्यान दे रहे हैं। हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग तो किया, किंतु क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हम वाकई रिस्पॉन्सिबल हैं? इस स्लाइड के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग सतत विकास के लिए करने के साथ साथ हमें एथिकली कंसिडरेट भी होना पड़ेगा। क्या सही और कितना सही, इसके विषय में हमें सोचना होगा। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जिसका अर्थ ये है कि एथिकल प्रिंसिपल्स और सोसाइटल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए भी कोई शोध निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंक्लूसिविटी, यानी जो भी आपने शोध किया उसके बेनिफिट्स को सोसाइटी तक पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे लैब्स जो इस किस्म के प्रोडक्शन कर रहे हैं वो समाज में आने से पहले इसको इतना कॉस्टली बना दें कि लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंच ही ना पाए। इसीलिए इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी ओपन कम्युनिकेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये होने के बाद ही हम बायोटेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ अलाइन कर पाएंगे। अगर मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को समराइज कर पाऊँ, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। हमने आज तक ऐसे बहुत सारे शोध किए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ थे, किंतु अब जब यूनाइटेड नेशंस ने पूरे विश्व के लिए मानक तय किए हैं, हमें ये समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी को एक संपूर्ण, समग्र और समुचित विकास के लिए यूज़ करना हमारी ज़रूरत भी है, हमारा उत्तरदायित्व भी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करते हुए, नेचर यानी प्रकृति के साथ समन्वय बिठाते हुए ही हम एक सतत विकास की परिकल्पना कर रहे हैं और आगे इसी की तरफ हम कार्यरत हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से लेके इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर तक, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में बायोफ्यूल्स और बायोमास्ट आधारित एनर्जी सॉल्यूशंस बायोटेक्नोलॉजी ने दिए हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी जेनेटिकली इंजीनियर करके किस किस्म से क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं। प्रिसिशन फार्मिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी केमिकल का प्रयोग कृषि में न हो। माइक्रोबायोलॉजी का प्रयोग करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी दीर्घकालिक कृषि क्रांति की तरफ हम अग्रसर हैं। इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन में बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुखता से कार्य रहा है, जिसमें कुछ नए रिसर्च बेस्ड बायो रिमीडिएशन टेक्निक, जिसमें कि सॉयल, वाटर, एयर का प्योरिफिकेशन माइक्रोब्स या फिर प्लांट्स द्वारा करवाना संभव हो पाया। सर्कुलर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी ने इनेबल किया कि किसी भी वेस्ट को हम यूज़ कर सके बायोडीजल या बायोफ्यूल के लिए, या फिर बायोप्लास्टिक जैसा प्रोडक्शन करवाना बायोटेक्नोलॉजी ने संभव करा। ये कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये प्रेजेंटेशन बनाते हुए रेफर की गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आख्यान से आप बायोटेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में जो समन्वय है उसे समझ पाए होंगे, और इस आख्यान से आप प्रेरित होंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें और इसमें शोध करने के लिए आप प्रेरित हुए हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।